सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर बहुत अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो. बहुत बहुत धन्यवाद जी. आपको देख के लग रहा है आपकी उम्र ठहर गई है. उसी पे मेरा सवाल होगा ये कि इतना ग्लैमरस खूबसूरत सा किरदार है आपका और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. सो अपने कैरेक्टर के बारे में, आप इंद्राणी के किरदार के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, और आपका, रवीना टंडन का क्या इनपुट था इस कैरेक्टर पर आपकी तरफ से? रवीना टंडन सिर्फ एक्टर थी जो अपना किरदार निभा रही थी, एंड सिंसियरली आई थिंक एक सिंसियर एक्टर होना बहुत ही एक बड़ी खूबी है. एंड इसलिए शायद अगर 90s का जिक्र होता है, और तब से आज तक 33 साल हो गए इस करियर में, तो ये ज़रूर ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेहनत और सिंसियरिटी और जो आप बहुत ही ऑनेस्टी, ये तीन चीज़ें हैं जो एक एक्टर को बनाता है. एंड ये तीन चीज़ें अगर आप अपने हर किरदार में लगाओ और आप एक ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ अपना काम करो, तो हर किरदार निखर के खिलता है. एंड उसी को एक जो है, सब मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत वो किस्मत भी साथ देनी चाहिए, एंड उसी के भरोसे हम सब साथ चलते हैं. लेकिन जहाँ तक कि आप अगर इंद्राणी कोठारी की बात करें, मेरे लिए, जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए थोड़ी सी कठिनाई थी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, क्योंकि आप जब शो देखेंगी तो आपको भी महसूस होगा कि क्यों हमने ऐसे कहा. आप जब देखेंगी कि उसका किरदार हर सीजन में और हर एपिसोड में जिस तरीके से रिवील होता है, वो आपको खुद एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये अच्छी है कि बुरी है, कि ये कुछ भी नहीं है इस पर. तो वो एक बैलेंस रखना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि जो हम हैं, जो जिस तरीके से हम रियल लाइफ में हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम सिंसियर हैं, ठीक है, वो आपको दिखता है. लेकिन हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर यहाँ से, इस मंच से आपके दिल तक अगर छूता है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस में कुछ ऑनेस्टी थी. तो आई थिंक उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, और आप शो देखिए, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू करेंगे.